नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। ऐसे सीएससी संचालक जो सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल अपडेट सेंटर चला रहे हैं, उन लोगों के लिए यहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आप लोग इस समय करंट में कार्य कर रहे हैं आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर पर, तो आप लोग सावधान हो जाइए। यहाँ पे मेरे द्वारा बताए गए अगर स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपके सेंटर 2 या 4 महीना और चल जाएगा। अगर आपने इस के संबंधित जानकारी को नहीं लिया तो जिनका बचा हुआ सेंटर है वे भी ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। तो कृपया जिनका सेंटर बचा हुआ है वे लोग भी इस वीडियो को देखें, और जिनका इनवैलिड सुपरवाइजर लिख के आ रहा है यानी जिनका बंद हो गया है वे लोग भी इस वीडियो को अवश्य देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पे उन लोगों को बता दूँ जिनके इनवैलिड सुपरवाइजर का एरर आ रहा है और उनको बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग ब्लैकलिस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफर्म मांग चलिए कि एक दूसरा कोई ऑप्शन यानी UIDAI की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल कर के सामने आ रही है, तो आप लोग यह मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं इनएक्टिव या ब्लैकलिस्ट हो गए हैं। इसके अंतर्गत अगर आप लोगों को पता होगा कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन केवल आप ही लोग ब्लैकलिस्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बार और ऐसा ही लहर आया था जो कि फरवरी में था, जिसमें 400 से अधिक लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, जिसमें सीएससी के भी कुछ ऑपरेटर्स थे, इसके अलावा प्राइवेट एजेंसियों के भी, इसके अलावा जो गवर्नमेंट परिसर में काम करने वाले एजेंसियां थी उनके भी ऑपरेटर्स ब्लैकलिस्ट हुए थे। यहाँ पे मेरी सूचनाओं के अनुसार जो मीटिंग चल रही थी मैंने उसमें सवाल किया था अनुराग सर से, तो अनुराग सर का यही कह रहा था कि उस वाले सेक्शन में, जो फरवरी वाले सेक्शन में जो लोग ब्लैकलिस्ट या फिर इनएक्टिव हुए थे, उनका किसी का नहीं एक्टिव हुआ था रिपोर्ट आने के उपरांत। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा मुझे मिल जा रहा है कि फिलहाल जो इस समय 17 सितंबर को ब्लैकलिस्ट हुए हैं उनमें चांस 98% है कि आपका नहीं होगा, 5% चांस है कि आप वापस से रीएक्टिव हो सकते हैं। इस एवज में आप लोग मत बैठिए कि मुझे दूसरा काम नहीं करना है, आधार एक्टिव होगा तो मैं दोबारा से कार्य करूंगा। जो भी आपके पास बचे खुचे कार्य हैं उन्हीं पे ध्यान दीजिए, उसमें थोड़ा सा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग UCL से दूर हटेगा और उसमें भी आप लोगों का ध्यान इंक्लूड होगा। अगर UCL के चक्कर में बैठे रहें तो आप लोग जो पैसे अर्न किए होंगे UCL से वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए पैसे को सेव कीजिए और CSC के द्वारा जो भी नए स्कीम आ रहे हैं, जो भी कार्य हैं वे कीजिए या फिर किसी और बिजनेस में जुड़ जाइए। यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बता दूँ, आज है 25 सितंबर 2021, लेकिन कल के डेट में 24 सितंबर 2021 में 4 लोगों का मशीन इनवैलिड सुपरवाइजर की वजह से बंद हो गया, जिसमें ये संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन 4 लोगों से ही मैंने संपर्क किया तो उनका वही समस्या आ रहा था। मैंने उनका रसीद भी चेक किया, वे 24 तारीख में बनाए भी थे, 2 या 3 डेटा बनाए थे, उसके बाद उनका ये एरर आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने पूरे रेसिडेंट में किसी भी तरह का डेमोग्राफी चेंज कर रहे होंगे। चेंज करने के बाद जैसे ही वे सबमिट करके ऑपरेटर का जहाँ पे फिंगर लगता है फाइल को लॉक की जाती है और पैक कोड भर के सबमिट किया जाता है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होती है, उसी प्रक्रिया में जब इन्होंने अपना फिंगर लगाया और सबमिट किया तो उनका एरर, इनवैलिड सुपरवाइजर का एरर आने लगा। मैं उनसे बात भी किया कि बोला आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, तो वे मुझे अभी तक भेजे नहीं, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मिला। तो यहाँ पे उनकी ये समस्या आ रही थी इनवैलिड सुपरवाइजर। इसमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो 17 सितंबर में बंद हुआ था वे रात में बंद हुआ था, सुबह में जैसे आप लोगों ने मशीन सिंक किया, मशीन को लॉगिंग किया, तो इस वाले स्टेप में आपका इनवैलिड सुपरवाइजर दिखा रहा था। लेकिन जो 24 तारीख के डेट में बंद हुआ है यानी कल के डेट में बंद हुआ है, उनका डेटा सबमिट करने के दौरान इनवैलिड सुपरवाइजर की समस्या दिखा रहा है, तो इसलिए 24 तारीख में भी मेरे नज़र में 4 लोगों का UCL ब्लैकलिस्ट या फिर इनएक्टिव किया गया है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। इसके अलावा जो इस समय बचे हुए CSC वेली हैं जो आधार UCL पे कार्य कर रहे हैं वे लोग सावधानियों को बरते, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे बड़ी समस्या आती है जन्म सुधार करने को लेकर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधार करने के लिए क्या वैलिड प्रूफ आप लोगों को लेना है क्या नहीं लेना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बर्थ सुधार करने के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, किसी भी बोर्ड से प्राप्त 10वीं का सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्मेट में हो तो आप लोग आसानी से बदल सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र अधिकतर लोगों का बंद होने का कारण जन्म प्रमाण पत्र है। आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र लगाएँ तो किस तरह से लगाएँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि आप लोग ऑफलाइन किसी भी तरह का जन्म प्रमाण पत्र हो मोहर के साथ, लोग बोलते रहें कि मैं सिग्नेटरी से लेकर आया हूँ या कि या फिर परिवार रजिस्टर के नकल के हिसाब से है, आप लोग मत बनाइए अगर आपको सेंटर लंबे समय तक चलाना है तो। इसके अतिरिक्त ऐसे रेसिडेंट जो ऑनलाइन बेस पे जन्म प्रमाण पत्र लेके आते हैं तो नीचे QR कोड दिया गया है, उसे आप लोग स्कैन कीजिए, उसकी क्वालिटी को जांच कीजिए कि कितने अच्छे क्वालिटी के पेज पे कितना साफ सुथरा वे जन्म प्रमाण पत्र है, वे भी निर्भर करता है। इसके अलावा रेसिडेंट का क्या पता है, क्या एड्रेस है, सेम एड्रेस से मिलता जुलता अगर जन्म प्रमाण पत्र हो। कई बार क्या हो रहा है, उस व्यक्ति का जिला गोरखपुर दिखा रहा है लेकिन उसके जन्म प्रमाण पत्र पे जो जिला दिया हुआ है वे बनारस या प्रयागराज दिखा रहा है, तो वे सरासर फर्जी है। क्योंकि इसमें आप लोगों को पता होगा जो भी CSE संचालक हैं, इस समय बहुत ही बड़े स्तर पे फर्जी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बेस पे बनाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, उससे काम हो जा रहा है तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जन्म प्रमाण पत्र पे लिखे जन्म प्रमाण पत्र पे जारी किए हुए एड्रेस में रेसिडेंट का डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंट का ब्लॉक सेम होना चाहिए। उस स्थिति में ही आप लोग किसी भी रेसिडेंट के बर्थ में संशोधन करें, कुछ हद तक आप लोग बच सकते हैं। जिला मिस्टेक है, नहीं मैच कर रहा है, इसके अलावा ब्लॉक नहीं मैच कर रहा है तो आप लोग रिस्क मत लीजिए। इसके अलावा क्वालिटी की जांच अवश्य कीजिए डॉक्यूमेंट्स में। इसके अतिरिक्त कई बार समस्याएं आ जाती हैं रेसिडेंट के पता में संशोधन करने के लिए, जो भी नए लोगों की शादी हुई है उनकी जो महिलाएं हैं उनका पता बदलने में, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे शानदार डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, उन लोगों से बोलिए कि अगर उनके नाम में या फिर उनके पते में संशोधन कराना होगा। अधिकतर लोग कुमारी की जगह देवी लिखवाते हैं और पिता की जगह पति का नाम और जहाँ पे शादी हुआ है वहाँ का पता लिखवाते हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग उनसे बोलिए कि आप जाके जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला और निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, दोनों डॉक्यूमेंट्स में सेम नाम होने चाहिए। उस परिस्थिति में आप लोग उनका नाम तथा पता बदल सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीजिए, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स लीजिए, डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कई लोग क्या होता है कि मिट्टी उट्टी लगा देते हैं डॉक्यूमेंट्स में, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को मत लिया कीजिए। तो इस तरह से अगर आप लोग कार्यों को करेंगे तो लंबे समय तक जाएंगे और लंबे समय तक कार्य भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा है जहाँ पर आधार उसल के संबंधित पूरी जानकारी मैंने आधार उसल के संबंधित मैं पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहता हूँ तो यहाँ पर भी जुड़ के देख सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट के निचले वाले हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर रहेंगे इनवैलिड सुपरवाइजर से संबंधित कुछ अपडेट्स हैं जिसे आप लोग इस पोस्ट को खोल के देख सकते हैं। इसके अलावा आधार उसके सॉफ्टवेयर में जो भी इरर है उसके संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।